हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ऑल बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के ऊपर। यार, आपको पता है कि आपके जो 2022 के बोर्ड एग्जाम हैं, अब उनमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो यार अब आपको अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, या फिर हम बोल सकते हैं सोशल साइंस के ऊपर। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है। और हाँ, बात करें PDF की, तो आपको फ्री PDF मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालते हैं और जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। तो चलिए इसके आंसर से पर्दा हटाते हैं। यस गाइस, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, इसका आंसर आएगा डी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? डी, फ्रांस का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। अब चलते हैं नेक्स्ट, जलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, 1830, 31, 34, 44। तो चलिए इसके आंसर से पर्दा हटाते हैं। यस गाइस, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1834 ईस्वी में। अब चलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज्यूसेप्पे मैसनी और गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? ए, इटली से, बी, जर्मनी से, सी, फ्रांस से, डी, ब्रिटेन से। तो गाइज, आई होप आपको इसका आंसर भी आता होगा। तो चलिए पर्दा हटाते हैं इसके आंसर से। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली से। आई होप ये आपको पता होगा पहले ही। अब चलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन देखिए, ए है 1847, बी 1848, सी 49 और डी 50। तो चलिए गाइज, इसके आंसर से पर्दा हटाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1848 में। गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे? ए है ओटो वॉन बिस्मार्क, बी है जनरल वॉन, सी है विलियम प्रथम और डी है विलियम द्वितीय। तो चलिए गाइज, इसके आंसर से पर्दा हटाते हैं। तो गाइज, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क। अब चलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है? मारियान को, जर्मेनिया को, शासक को, डाक टिकट को। तो गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और मैं बता भी देता हूँ, एक बार आप कमेंट कर दीजिए पहले, अगर आपको इसका आंसर आता है तो। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारियन। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मुझे पता है भाई आप सोच रहे होंगे बस इतने ही, नहीं गाइज, देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप लोग भी बोर हो रहे हो मुझे पता है, लेकिन अब मैं आपको इसकी PDF बता देता हूँ, उसको डाउनलोड करके पूरा का पूरा देख लेना। सो गाइज, ये है कुछ इस प्रकार से आपकी PDF, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको सैंपल के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री के वो बताए हैं, ठीक है। आज हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, यानी कि इतिहास को, उसके बाद पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफी, सभी को कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये जो PDF है गाइज, इसका जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा एक, तो दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ भी PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।